फिर एक बार आप सभी का स्वागत है इस तल्पना स्टेडियम पर। काफी बढ़िया आयोजन है इस श्रृंखला का। कानकोना म्युनिसिपैलिटी चैंपियनशिप 2022 और इस बीच ये एक मुकाबला चलता हुआ राजबाग तारी वॉरियर्स और पालोले वॉरियर्स के बीच में टॉस जीत के गेंदबाजी करने का निर्णय, और ये निर्णय उनके लिए कितना अच्छा साबित होता है आने वाला समय हमें बताएगा। और ओपनिंग तौर पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे मोंटी और सागर, और गेंदबाजी का भार संभालने के दिलीप। ये पहली गेंद, ये आते आते प्रहार करते हुए और एक लंबा स्ट्रोक, क्या बढ़िया लाजवाब स्ट्रोक मोंटी के बल्ले से निकलता हुआ। सात रन बन गए पहली ओवर प्रगति पर चलती हुई, चार ओवर का ये खेल। अगली गेंद, इस बार क्या बढ़िया स्ट्रोक आता मात्र मोटो चंडू मोटो फट को सराहना सटी, क्या लाजवाब स्ट्रोक सागर के बल्ले से निकलता हुआ। इस बार कट कर दिया फील्डर, वहां पे मौजूद थे पर दो फील्डर के बीचों बीच से गेंद निकलती हुई और गेंद चार रन यहां पे मिलते हुए, क्या बढ़िया स्ट्रोक यहां पे लगाया। कार्पेट सारे खेला गया था, वो स्ट्रोक पिछली गेंद पर छक्का लगाया था, इस बीच नजाकत भी स्ट्रोक में दिखते हुए ये अगली गेंद लेके हल्के से दबाव में लग जरूर रहे गेंदबाज। फिर एक बार गेंदबाज का भार संभालने के लिए अगली गेंद लेके, इस बार बढ़िया गेंद और अंपायर का इशारा हम तक पहुंचता हुआ, काफी ऑफ सम से बाहर थी और वाइड बॉल, अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ते हुए, अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 19 रन यहां पे बन गई है, काफी महंगे साबित जरूर होते हुए भी चंद गेंद शेष इस ओवर की। अगली गेंद, इस बार बढ़िया गेंद कट कर दिया फील्डर, वहां पे मौजूद गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के करीब वहां पे रोका गया, और जब तक फील्डर फील्ड करे थ्रो करे दो रन लेने का मौका यहां पे बनता हुआ, और इस दो रन के सारे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 21 रन एक ओवर की समाप्ति पर। बढ़िया शुरुआत दिलाई थी मोंटी और सागर ने, ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया था और उसके बाद सिंगल निकालती, और इस बीच सागर सालों के भी अपनी बल्लेबाजी वहां पे दिखाते हुए इस बदौलत 21 और दूसरी ये ओवर जो लेके आ रहे हैं।
टाटू। अच्छी गेंदबाजी क्या करते हैं, जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है लग रहा है कि 50 से 60 रन आसानी से बन जाएंगे। किसी एक गेंदबाज को अच्छी गेंदबाजी यहां पे करनी पड़ेगी, रोक के रखना पड़ेगा बल्लेबाजों को। हल्की सी फील्ड में यहां पे तब्दीली होती हुई, छोर बदलते हुए गेंदबाज, और इस बीच की पहली गेंद टाटू की, रिवर्स स्वीप खेल दिया है, क्या बढ़िया स्ट्रोक वहां पे लगता हुआ, नजाकत भरा स्ट्रोक, 4 रन यहां पे मिलते हुए। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे होती हुई, पहली गेंद थी टाटू की, और रिवर्स स्वीप के साथ चौके के साथ यहां पे स्वागत होता हुआ टाटू का। और इस बीच फिर एक बार गेंदबाजी का भार संभालने के लिए ये अगली गेंद मोंटी के लिए, फिर एक बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, यू मिस आई हिट, और क्लीन बोल्ड यहां पे होते हुए, अच्छी गेंदबाजी अच्छी वापसी यहां पे होती हुई, चौका लग जरूर गया था, बावजूद क्या बढ़िया गेंद यहां पे डाली गई है, एक बड़ा धक्का यहां पे लगता हुआ, पहली विकेट गिरती हुई मोंटी के रूप में। बिंदी शाही बल्लेबाजी करने के लिए, और रिवर्स स्वीप हल्के से महंगे जरूर साबित होते हुए मोंटी के लिए, पहली गेंद पर रिवर्स स्वीप लगा चुके थे, चौका लगा चुके थे, और इस बीच और एक रिवर्स स्वीप लगाने की कोशिश में विकेट गंवा दी थी। इस बीच टाटू हल्की से वापसी यहां पे करते हुए गेंदबाजी में, ये अगली गेंद लेके बिंदेश के लिए पहली गेंद फेस करेंगे, आगे जाके खेलने की कोशिश, अच्छा शॉट वहां पे दिखता हुआ, और गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाता हुआ, और आते आते एक बड़ा स्ट्रोक विंडीज के बल्ले से भी। अच्छी बल्लेबाजी यहां पे होती हुई, कोई दबाव नहीं बल्लेबाज के ऊपर, आते आते जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं आते आते प्रहार करने की कोशिश में दिखते हुए, ये अगली गेंद इस बार भी प्रार करने की कोशिश, चट्टी पाकी थोड़ी सी नीचे रहती है, इसी रन चुराने की कोशिश, और काफी बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स, एक रन हासिल करते हुए 1 रन के सारे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 32 रन गए हैं, दूसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई। इस बीच फिर एक बार टाटू या अपनी अगली गेंद लेके, और सागर स्ट्राइक पर, इस बार क्या बढ़िया टाइमिंग, नजाकत भरा स्ट्रोक, मोटो चंडू मोटो फटको सारा सटी। सागर की क्या नजाकत भरी टाइमिंग, वहां पे लो फुल टॉस गेंद थी, अच्छी तरह से टाइम किया, छक्का तकदील किया। इस बीच टाटू हल्के से महंगे साबित होते हुए, हल्के से दबाव में लग जरूर रहे हैं। इस बीच अगली गेंद लेके इस बार बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी शॉट, क्या लाजवाब स्ट्रोक यहां पे दिखता हुआ, दूसरा छक्का ईसो, माफ कीजिएगा तीसरा छक्का इस ओवर का, क्या बढ़िया बल्लेबाजी। दो ओवर समाप्त हो गए हैं, और दो ओवर की समाप्ति पर 44 रन यहां पे बनाए गए हैं, काफी तेजी से यहां पे स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ते हुए
क्या बढ़िया बल्लेबाजी होती सागर की ओर से, सागर इज ऑन फायर, क्या बढ़िया बल्लेबाजी। रिवर्स स्वीप के रूप में क्या लाजवाब स्ट्रोक देखने को मिला था पिछले ओवर के अंतिम गेंद पर, और जिस काम के लिए कप्तान ने उनको भेजा गया था वही काम साफ साफ यहाँ पे निभाते हुए। इस बीच अब तक एक छक्का लगाकर खेल रहे बिंदेश, और गेंदबाजी का भार संभालने के लिए चंदन आए अपनी पहली गेंद लेके। इस बार शॉट खेल दिया फील्डर वहां पे मौजूद, तेजतर्रार शॉट फील्डर वहां पे मौजूद, और इस बीच एक रन लेने का मौका यहाँ पे बनता हुआ, इस एक रन के सारे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई। काफी बढ़िया माहौल इस मैदान पर, कानकोना म्युनिसिपैलिटी चैंपियंस लीग 2022, और ये मैच चलता हुआ राष्ट्रबाग तारीर वॉरियर्स और पालोले वॉरियर्स। क्या बढ़िया स्ट्रोक इस बीच, क्या बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई, गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं दे रहे। धन्यवाद डीजे, जो भी गेंदबाज आ रहे हैं अच्छी गेंदबाजी की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर जिस तरीके से सागर फॉर्म में है हर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। इस बीच ये अगली गेंद, इस बार भी संपर्क करने की कोशिश, फील्डर वहां पे मौजूद, रन चुराने की कोशिश, और एक रन यहां पे बनता हुआ, इस एक रन के सारे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई। 52-85 पार यहाँ पे होती हुई, अभी भी तीसरी ओवर प्रगति पर चलती हुई, इसके बाद और छह गेंदे शेष रहेंगी। बिंदे से स्ट्राइक पर अगली गेंद चंदन की, इस बार आगे आके खेला फील्डर वहां पे मौजूद, लोगों का खिलाड़ी वहां पे मौजूद, जयदीप थे फील्डर, अच्छी फील्डिंग का मुआयना वहां पे दिखता हुआ, और एक रन लेने का मौका यहाँ पे बनता हुआ, इस एक रन के सारे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई। 53 रन यहाँ पे बन गए हैं चंद गेंद शेष इस ओवर की, सागर स्ट्राइक पर। ये अच्छी गेंद, उतनी अच्छी शॉट वहां पे दिखती हुई, फील्डर वहां पे मौजूद, और दो रन लेना चाहते थे पर सिर्फ एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा सागर को। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, काफी तेजी से रन बना रहे हैं, 54 रन बन गए अंतिम गेंद इस इनिंग की, माफ कीजिएगा इस ओवर की। इस बार क्या लंबा स्ट्रोक कोच के निकाला है उस गेंद को, बाउंड्री पार, ग्राउंड पार, सीधा पार्किंग स्लॉट में जाके गिरती हुई गेंद 6 रन के लिए। इसके औसत से यहाँ पे बढ़ते हुए बल्लेबाज, क्या बढ़िया बल्लेबाजी होती हुई, अच्छी शुरुआत दिलाई थी मोंटी ने, चक्के के साथ इनिंग की शुरुआत की थी, उसके बाद रन बढ़ाने की कोशिश सागर सालुके ने की थी, क्या बढ़िया बल्लेबाजी की अब तक, लाजवाब छक्के देखने को मिले उनके बल्ले से, रिवर्स स्वीप नजाकत भरे भी स्ट्रोक देखने को मिले, और उसी तरफ से बिंदेश भी अपनी बल्लेबाजी की झलक छक्कों के रूप में दिखाते हुए अंतिम गेंद पर छक्का लगाकर 60 रन पूरे किए हैं। टीम टोटल हाई स्कोर यहां पे पार होता हुआ इस श्रृंखला का पहला दिन, इस श्रृंखला का खानकोना म्युनिसिपैलिटी चैंपियंस लीग, और अच्छा आयोजन इस श्रृंखला का, काफी सारे नए खिलाड़ी इस श्रृंखला में दिखते हुए। इस बीच बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी शॉट, एरेस्ट्रेस को चुम्मा देके गेंद नीचे आती हुई, फील्डर वहां पे मौजूद, और एक आसान सी कैच वहां पे ड्रॉप होती हुई, जो बल्लेबाज रन बना रहे थे उस बल्लेबाज की कैच यहाँ पे ड्रॉप होती हुई। एक रन शॉट यहाँ पे दिया गया है, और ये कैच काफी महंगे साबित हो सकती है आने वाला समय बताएगा।
अगर सागर सालों के कम से कम और एक दो तीन छक्के लगाते हैं तो ये बोनस के रूप में यहाँ पे मिल जाएंगे। इस बीच यगली गेंद हमें की इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, कहीं निकाय कहीं निशाना और सिर्फ एक रन यहाँ पे मिलता हुआ। इस गेंद पर इस एक रन के सारे स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई लेग बाय के रूप में एक रन यहाँ पे जुड़ गया है, 62 रन बन गए। अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई इस इनिंग की और काफी बढ़िया माहौल इस तलपना स्टेडियम पर। यह अगली गेंद इस बार काफी ऑफ स्टंप से बाहर यहाँ पे रखी गई है, कुछ अलग करने की कोशिश गेंदबाज की, हल्के से दबाव में लग जरूर रहे और वाइड का इशारा हम तक पहुंचता हुआ। अतिरिक्त रन 63 रन बन गए इस वाइड के सारे और काफी रन बन गए हैं। दोपहर का वक्त है, अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई हाई स्कोर बन गया इस टूर्नामेंट का। इस भी स्ट्राइक पर रहेंगे बिंदेश, इस बार बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी शॉट, क्या लाजवाब स्ट्रोक वहां पे बिंदेज के बल्ले से निकलता हुआ, ये तीसरा छक्का। हालांकि गेंद खराब नहीं थी पर काफी बढ़िया शॉट था, फुल लेंथ की गेंद थी, काफी ऑप्शन से बाहर रखी थी, खोद के निकाला है उस गेंद को और कुछ अलग तरीके से शॉट खेलकर ये छक्का तकदील किया बिंदेश ने। इस बीच अगली गेंद फेस करेंगे, इस बार भी बल्ला चला है, फील्डर वहां पे मौजूद, कैच हो सकती है और एक आसान सी कैच वहां पे लपक लिए और इसी के साथ बिंदेश की पारी की यहाँ पे समाप्ति होती हुई, पर जिस काम के लिए कप्तान ने उनको भेजा गया था वो साफ साफ पूरे करते हुए तीन छक्के उनके बल्ले से एक लाजवाब पारी का अंत यहाँ पे होता हुआ। क्या करते हैं और इस साल काफी बढ़िया बल्लेबाजी की है, काफी सारे श्रृंखला में खेल चुके हैं, अच्छे रन बना चुके हैं और इस बीच कप्तान ने उनको यहां पे मैदान पर भेजा गया है। अंतिम ओवर और काफी रन यहां पे बन गई है, काफी देर बाद यहां पे एक सफलता मिलती हुई, हल्की सी रोक यहां पे लगती हुई स्कोरबोर्ड पर। इस बीच ये अगली गेंद इस बार बढ़िया गेंद, उतनी अच्छी शॉट और क्या लाजवाब स्ट्रोक यहां पे निकलता हुआ, 6 रन आते आते ही अर्जित करते हुए। चक्के के सारे 75 रन बन गए, काफी रन आ गए हैं, क्या बढ़िया बल्लेबाजी हुई इस इनिंग में। इस बीच अगली गेंद इस बार भी खेलने की कोशिश, हालांकि 2 रन लेने की कोशिश जरूर रहेगी। इस बीच अच्छा थ्रो वहां पे दिखता हुआ और आसानी से 2 रन यहां पे बनते हुए, तीसरे रन की गुंजाइश भी यहां पे हल्की सी बन जरूर गई थी पर सिर्फ 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ गया इस 2 रन के सारे। टोटल स्कोर 77 रन और 78 रनों का लक्ष्य यहां पे रखा गया है। राजबाग तालीर के लिए एक भाड़ बड़ा स्कोर,
धन्यवाद वैभव। या चिफळणजी मॅच धरली ती म्हणजे G7 स्ट्रायकर आणि चंदन तस्कर। G7 स्ट्रायकर्स आणि चंदन तस्कर हांव दोनूय कॅप्टना लागीं मागता की टॉस करपाक पेवले ना मुखार येवपाक। G7 स्ट्रायकर्स आणि चंदन तस्कर दोनूय कॅप्टना लागीं मागता की टॉस करपाक पेवले ना मुखार येवपाक। वैभव नमशिकर काफी बढ़िया स्कोर खड़ा किया है। पालोलिम ओरियस ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय राजबाग तारीर ओरियस का, और बल्लेबाजी की दावत दी गई थी पालोलिम ओरियस को, और पालोलिम ओरियस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 77 रन बटोरे 78 रनों का लक्ष्य रखा है राजबाग ओरियस के पास। चार ओवर के कोटे में बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन राजबाग तारीर ओरियस के पास बड़े बल्लेबाज भी है। एक बढ़िया कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है अभय और चंदन के रूप में। पहली मैच में एक कॉम्बिनेशन जो अभय और चंदन का कॉम्बिनेशन था, 46 रनों का लक्ष्य था राजबाग तारीर ओरियस के पास, उस कॉम्बिनेशन को ड्रॉप करते हुए पीछे रहे थे बल्लेबाज। एक बड़े बल्लेबाज है ये पीछे रहे थे और इसी के कारण थोड़े से हार का सामना करना पड़ा था राजबाग तारीर ओरियस को। फिलहाल एक कॉम्बिनेशन बड़ा है, नौ स्ट्राइक पे खड़े हैं चंदन और स्ट्राइक पे आए हैं एक बड़े बल्लेबाज। गेंदबाजी का भार संभाल रहे पालोलिम ओरियस की ओर से मंजेश। अगर ये मैच जीतना है तो ये बल्लेबाज जो अभी स्ट्राइक पर है, जो बल्लेबाज है, इस बल्लेबाज को बढ़िया परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। 78 रनों का लक्ष्य। पहली गेंद टिप्पा की हल्की सी स्पिन मिलती हुई, खेलने की कोशिश की थी, शरीर को टकराई, गेंद चली गई गली के क्षेत्र में, धीमी विकेट है ये, और टिप्पा की हल्की सी स्पिन मिलती है इस विकेट पर टेनिस गेंद को, और इसका फायदा उठाते हुए मंजेश। और हल्की सी शॉट और उस गेंद पे टूट पड़े हैं बल्लेबाज, मिड विकेट के ऊपर से मोड़ दिया इस बल्लेबाज ने उस गेंद को 6 रनों के लिए। ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर छेड़छाड़ करने की कोशिश जरूर की थी, डॉट चली गई है। इस मैच के बाद जो मैच होगी वो G7 स्ट्राइकर्स और चंदन तस्कर दो ही कप्तानों के पास फिर एक बार दरख्वास्त करके टॉस के लिए पेविलियन के आगे आ जाने के लिए। लेग स्टंप के बाहर थी और फ्लिक कर दिया उस गेंद को, फाइनल की दिशा में गेंद चली गई सीमा को पार करते हुए 4 रनों के लिए।
फ्लाइटेड गेंद थी, धीमी गति की गेंद थी, उस गेंद को खेलना चाहते थे बल्लेबाज, बल्ले को चाटा, गेंद सीधी चली गई थी कीपर के दस्तानों में, लेकिन कैच पकड़ने में नाकामयाब रहे कीपर केविन लोबो। फिर एक बार तैयार मंजेश राइट आर्म राउंड विकेट, और इस बार इस बल्लेबाज ने खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद थे, फील्डर को चकमा दिया और गेंद चली गई है सीमा के बाहर 6 रनों के लिए, और इस चक्के के साथ ही साथ पहली ओवर की समाप्ति हो चुकी है, और पहली ओवर खत्म होने के बाद स्कोर है 16 रन बिना कोई विकेट खोए। दूसरी बॉल लेके है पालोलेम ओरियस की ओर से बिंदेश, और स्ट्राइक पर है राजबक तारीर की ओर से चंदन। आता जी टॉस झाली जी 7 स्ट्राइकर्स आणि चंदन तस्करामध्ये, चंदन तस्करान टॉस जिंकून फिल्डिंग टॉस जिंकून पहिले बॅटिंग करपाचा निर्णय घेतला असं। बिंदेश की पहली गेंद और आते आते ही टूट पड़े हैं चंदन 6 रनों के लिए। मैच जितना है तो पहाड़ खड़ा है, 78 रनों का लक्ष्य आगे है, और दो बड़े बल्लेबाज खेल रहे हैं राजबाग तारीर की ओर से। गेंदबाजी का बार संभाल रहे बिंदेश, फिर एक बार तैयार राइट आर्म ओवर द विकेट चंदन के लिए। बढ़िया गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी, तेज गेंद थी, टिप्पा के थोड़ी नीचे भी रही थी, बल्ला और गेंद के बीच संपर्क नहीं हुआ, डॉट चली गई है दूसरी ओवर की, दूसरी गेंद डॉट निकालने में कामयाबी हासिल की है बिंदेश ने। फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद और मिड ऑन के ऊपर से मोड़ दिया है 6 रनों के लिए, खराब गेंद और उसका पूरा फायदा उठाते हुए चंदन। तीसरी गेंद फेंकी थी, फुल टॉस फेंकी थी और वो खराब गेंद थी, उसका फायदा उठाया है चंदन ने। फिर एक बार बिंदेश तैयार अपने बॉलिंग मार पर, और सोचा है कि दिशा में परिवर्तन, नेगेटिव दिशा में चले गई है बिंदेश गेंदबाजी का भार संभालने के लिए, और स्ट्राइक पर है चंदन, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड, अतिरिक्त रन जुड़ चुका है खाते में, अतिरिक्त रन के साथ स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला गया है 29 रन, 29 रन बिना कोई विकेट खोए।
इस बार बल्ले का भारी किनारा लिया, ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, गेंद चली गई है कीपर के दस्तानों में और चंदन के विकेट का पतन हो चुका है। पहला झटका लग चुका है चंदन के रूप में, राजबाग तारीर हो रही है इसको 29 रनों पर। मैच जितना है तो 78 रनों का लक्ष्य आगे है, दूसरी ओर प्रगति पर है। चंदन वापस चले गई है पेविलियन में, चंदन का स्थान ग्रहण करने के लिए आए नीरज फिलहाल नो स्ट्राइक इन पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक चला गया है नए पारंपरिक बल्लेबाज के पास। और इस बार इस बल्लेबाज ने खेला है सीधे बल्ले से गेंद हवा में और जलंक लगाकर जो छक्का होते होते बचाया है और विकेट भी हासिल किया, तारीफ करनी पड़ेगी टेरेंस की। आते आते ही खेला है ऐशा कवर की दिशा में, हवा में गेंद थी, फील्डर डीप होने के कारण मौका है अमे के पास एक रन चुराने का और इसे एक रन के साथ स्कोर में वृद्धि होते हुए स्कोर चला गया 30 रन दो ओवर खत्म होने के बाद। जितनी भी तारीफ करे टेरेंस की उतनी कम है, बढ़िया बॉडी लैंग्वेज का सही प्रदर्शन करते हुए टेरेंस लोबो। अब नए गेंदबाज आए अजीत, गेंदबाज का बाढ़ संभालने के लिए और स्ट्राइक चला गया है अमे के पास। दो ओवर खत्म होने के बाद दो विकेट खोकर दो ही पारंपरिक बल्लेबाज वापस चले गए है पेविलियन में और स्कोर है 30-30 रन। मैच जितना है तो 78 रनों का लक्ष्य है। और हल्की सी उछाल और उस गेंद को मोड़ दिया है, एक्स्ट्रा मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है सीमा के बाहर 6 रनों के लिए। अजीत 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 अजीत
ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर थी गेंद, उस गेंद को सही दिशा दिखा दी है अमे ने। चक्के के बदौलत स्कोर में वृद्धि होती हुई स्कोर चला है 36 पर। अंपायर फिर एक बार तैयार, अजीत अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म और जेब किट अमे के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, डीप एक्स्ट्रा कवर पर फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 37। अब स्ट्राइक आया नीरज के पास, ये भी काफी अच्छे बल्लेबाज है, बढ़िया स्ट्रोक खेलने में माहिर है ये बल्लेबाज। तीसरी ओवर की दो गेंदे हो चुकी है, 78 रनों का लक्ष्य है राजबाग तारीर ओरियस के पास। फिर एक बार तैयार अजीत अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म और द विकेट। हल्की सी फुल टॉस गेंद थी, बढ़िया गेंद खेलने की कोशिश की थी, संपर्क नहीं हुआ बल्ला और गेंद के बीच में डॉट चली गई है। तीन गेंदे हो चुकी है तीसरी ओवर की, अभी भी स्कोर रुका हुआ 37। खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद है, एक रन मिलेगा नीरज को, एक रन के साथ स्कोर हो चुका है 38 रन। धीरे धीरे से मैच दूर जाते हुए राजबाग तारीर के हाथों में से। अब स्ट्राइक है अमे के पास, अमे ने सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, गेंद चली गई है स्ट्रेट ड्राइव के रूप में सीमा को पार करती हुई 6 रनों के लिए। इस छक्के के बदौलत स्कोर में वृद्धि होती है, स्कोर चला गया है 44 रन। ऑफ स्टंप के काफी बार और अंपायर का इशारा आ चुका है वाइड, अंपायर ने उस गेंद को अतिरिक्त घोषित कर दिया है, वाइड घोषित कर दिया है। एक रन जुड़ चुका है, स्कोर हो चुका है 45 रन। इस बार खेला है मिडॉन की दिशा में, डीप मिडॉन पर मंजिश मौजूद है, एक ही रन मिलेगा और इस एक रन के साथ स्कोर में वृद्धि होते हुए स्कोर चला गया 46 रन और तीसरी ओवर की समाप्ति। स्कोर हो चुका है 46 रन, 6 गेंदों में 32 यानी 32 रनों की आवश्यकता है 6 गेंदों में। छह गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है, स्ट्राइक क्या लगा है अमे के पास और नो स्ट्राइक इन पे खड़े हैं नीरज और गेंदबाजी का बार संभाल रहे।
नहीं गेंदबाज ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं, गेंद चली गई गली की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद थे, फील्डर ने कोई गलती नहीं की और अमे के विकेट का पतन हो चुका, अमे वापस जा रहे पेवेलियन में। पांच गेंदे शेष है और स्कोर 46। नए बल्लेबाज आए जयदीप, फिलहाल नौ स्ट्राइक पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक आए नीरज के पास। नीरज ने सीधे बल्ले से खिलाया लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर वहां मौजूद थे, सीधी चली गई है फील्डरों के दस्तानों में। टेरेंस लोबो चुस्त खिलाड़ी है और एक विकेट का पतन हो चुका है। या मैची फळांची मैच जातली ती जी सेवन स्ट्राइकर आणि चंदन तस्करांच्या मजगतीक, टॉस गेल्या चंदन तस्कराच्या पक्षांक। सीधी बल्ले से गेंद, सागर वहां मौजूद थे और सागर ने कोई गलती नहीं की और एक विकेट का पतन। हैट्रिक हो चुकी है, तीन गेंदे फेंकी और तीन गेंदों में तीन विकेट हासिल किए, पहली हैट्रिक बनाने में कामयाबी हासिल की है इस टूर्नामेंट में। नए बल्लेबाज आए फिलहाल नौ स्ट्राइक पे खड़े रहेंगे और स्ट्राइक क्या लगा है जयदीप के पास। और जयदीप ने इस बार मोड़ दिया है, मिड ऑन के ऊपर से गेंद चली गई है छह रनों के लिए। बोले 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 और इसी गेंद के साथ ही साथ इसी विकेट के साथ ही साथ ये मैच चली गई है पालोलेम ओरियस के पक्ष में। और अब जो मैच होने जा रही है जी सेवन स्ट्राइकर्स वर्सेस चंदन तस्कर, चंदन तस्कर वन द टॉस। चंदन तस्कर जी सेवन स्ट्राइक और आगे का विवरण के लिए मेरे सहयोगी
वैभव नमशिकर।